तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात सेहत की करते हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं कि कड़ी धूप, उमस भरी गर्मी और मानसून की बारिश से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन बारिश के इस मौसम में कई जनजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूषित पानी के कारण जल जनित बीमारियां पनपती है, ऐसे में मलेरिया और डेंगू के मामले भी बढ़ सकते हैं। एहतियात ही इससे बचाव के सबसे बेहतर उपाय है, खास करके बारिश के पानी से जल जमा होने के कारण बीमारियां दस्तक देती है। ऐसे में जरूरी है कि इन बरसाती बीमारियों से बचने के लिए हम सावधानी बरतें, खास करके बदलते मौसम एवं बारिश में खान पान शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मौसम में बच्चों पर भी विशेष निगरानी एवं उनके रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जल जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का पहला मेंटल हॉस्पिटल बिहार में बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शुक्रवार को भोजपुर के कोइलबर मेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए गए थे और उद्घाटन किया है। आपको बता दूं कि ये पूरे बिहार में इकलौता मानसिक आरोग्यशाला होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस हॉस्पिटल में कुल 272 बेड का निर्माण हुआ है, जो तमिलनाडु की कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को फाइनल रूप तक पहुँचाने में 36 महीने का वक्त लगा है। मानसिक आरोग्यशाला को करीब 123 करोड़ रुपए की लागत लगा करके बनाया गया है। आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में कुल 14 ब्लॉक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में खून की कमी को दूर करने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन पर एक डेटा तैयार करके देश को समर्पित भी किया जाएगा। पूर्णिया जिले के अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने 17 सितंबर को पूर्णिया जिले के अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने आज 17 सितंबर को पूर्णिया के अलग अलग हिस्सों सहित अन्य जगहों पर विश्व की सबसे अधिक रक्तदाता संस्था रक्तदान का इतिहास रचेगी। इसके लिए मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव कैंप पूर्णिया जिले सहित देश के अन्य हिस्सों में लगेगा। देश में कुल 2000 जगहों पर रक्तदान महाअभियान का आज मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लोग जनहित में स्वैच्छिक रक्तदान करके एक दूसरे की जान बचाने में जन सहयोग करेंगे। तेरापंथ युवक सदस्यों ने बताया है कि आज पूर्णिया के अलग अलग जगहों पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव कैंप लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश सरकार ने पटना, पूर्णिया, गोपालगंज समेत कई जिलों के IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसको लेकर के सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS के पद पर प्रोन्नति दी थी। अब इन 13 अधिकारियों को सरकार के द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दूसरे चरण का नामांकन कल से शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 68 नगर निकायों में कल से नामांकन शुरू किया गया है। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार दूसरे चरण में मतदान के लिए कल यानी कि 16 सितंबर से 24 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। वहीं नामांकन पत्रों की जाँच 25 से 26 सितंबर को की जाएगी, जबकि 27 से 29 सितंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। प्रत्याशियों को 30 सितंबर को सिंबल आवंटित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 22 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों का आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान समेत 25 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में मानसून का सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके कारण बिहार के 12 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं 25 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीवान, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा DPR तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार 686 किलोमीटर लंबाई में करीब 24,275 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे बिहार के 3 जिलों कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों से होकर के गुजरेगा। इन जिलों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेस वे का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। वहीं गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसका DPR तैयार कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फरपुर महायोजना क्षेत्र यानी कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में बड़े स्तर पर मुजफ्फरपुर शहर को डेवलप किया जाएगा। खबर के अनुसार ग्रेटर मुजफ्फरपुर में 207 गाँव को शामिल किया गया है। बुधवार को DDC आशुतोष त्रिवेदी की अध्यक्षता में इसको लेकर के बैठक हुई है। इस बैठक में ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ कई तरह के फैसले लिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए IGIMS पटना में 70 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना यानी कि IGIMS की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इन पदों के विवरण के बारे में बात किया जाए तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना यानी कि IGIMS ने कनिष्ठ निवासी के 70 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की तिथि के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। उससे पहले पहले आप आवेदन कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोचिंग पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक छात्रा को प्यार का पाठ पढ़ाने लगी। अच्छा यही नहीं, छात्रा शिक्षक के साथ भागने के लिए स्टेशन तक जा पहुंची। स्टेशन पर खड़ी किशोरी को संदिग्ध पाते हुए जब रेल पुलिस ने पूछताछ की तो फिर पूरा मामला खुलकर के सामने आया। हालांकि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रंजीत कुमार बोर्ड स्तर के छात्र छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाते थे। उसी गाँव की एक किशोरी को ट्यूशन पढ़ाने के बदले गुरुजी ने प्रेम का पाठ पढ़ा लिया। जब गुरुजी के प्रेम जाल में फंस करके किशोरी भी उनके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मोबाइल से बातचीत करके दिन और समय तय करके घर से निकल पड़ी, लेकिन तय समय पर गुरुजी नहीं पहुंचे। इस बीच भटकते हुए किशोरी स्टेशन पर पहुंच करके उधेड़बुन में थी कि कहां जाएं और क्या करें। रात होने के बाद भटकती हुई किशोरी पर जब RPF की नज़र पड़ी तो फिर पुलिस को माजरा समझने में देर नहीं लगी। जब पुलिस किशोरी को थाने लेकर के आई और पूछताछ की तो फिर किशोरी ने सारी बातें बता दी और बताया कि गुरुजी कैसे बोर्ड की किताब पढ़ाने के बजाय प्यार का पाठ पढ़ाने लगा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग के प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर के कहा गया है कि जिन स्कूलों को इसके लिए चयनित किया गया है वहाँ के प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिया जाए कि वे खेल विभाग के प्रशिक्षकों से संपर्क करके प्रशिक्षण शुरू कराएँ। ये प्रशिक्षण हफ्ते में 2 दिन दिया जाएगा। वहीं इसके लिए उन स्कूलों का चयन किया गया है जहाँ खेलने के लिए मैदान उपलब्ध हैं। अभी तक स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल और बैडमिंटन खिलवाया जाता है, लेकिन प्रशिक्षक न होने की स्थिति में प्रतिभागियों में बच्चे पिछड़ जाते हैं। सरकार ने स्कूलवार खेलों का वर्गीकरण भी कर दिया गया है। यह वर्गीकरण जगह के हिसाब से तय किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार में बढ़ते अपराध और बेगूसराय मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो आज बयान दिया है या फिर आजकल जो बयान दे रहे हैं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। नीतीश कुमार आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा कि वे अंड बंड बोलता है। आरसीपी सिंह के बारे में उन्होंने तुम का इस्तेमाल किया है। ये नीतीश कुमार की भाषा नहीं हो सकती है, ये उस नीतीश कुमार की भाषा हो सकती है जो अपना संतुलन खोते जा रहे हैं। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को जातीय रंग देने का प्रयास किया है। जिस इलाके में गोलीबारी हुई वहां एक भी इलाका मुस्लिम बहुल्य नहीं है या मुस्लिम आबादी नहीं है। मारने वाला क्या पूछ पूछ करके मार रहा था कि आपकी जाति कौन सी है। घायल होने वाले लोगों में कई जाति के लोग हैं। या नीतीश कुमार अपनी विफलता को छिपाने के लिए बेगूसराय की घटना को एक जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। या राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में अपहरण फिरौती और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय की सड़कों पर अंधाधुंध गोलीबारी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। जी हां, पुलिस ने 4 आरोपी को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक अपराधी अब भी शंका के घेरे में है कि वह इस घटना में शामिल था या नहीं। यह चारों संदिग्धों के बारे में जानकारी भी सामने आई है, हालांकि सिर्फ हिरासत की बात सामने आई है, गिरफ्तारी की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चारों आरोपियों का नाम केशव, सुमित, युवराज और नागा बताया जा रहा है। मामले से जुड़ी जो भी ताज़ा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रांची जाने के दौरान जमुई के झाझा स्टेशन पर केशव को सबसे पहले पकड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे आरोपियों का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि ये चारों अपराधी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। आरोपी युवक मौर्य एक्सप्रेस वे से रांची भाग रहा था जिसकी पुलिस को जानकारी मिल गई। फिर पुलिस की टीम ने युवक को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक बेगूसराय जिले के बीहट के केशव कुमार उर्फ नागा है, जो बीहट के ही राम विनय सिंह का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया जिले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अररिया शहर से सटे प्रखंड की मटियारी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में अवस्थित शिक्षण संस्थान कन्या प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने से निकलने के बाद बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। मध्याह्न भोजन खा चुके लगभग 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। विद्यालय के HM वसीम अकरम और स्थानीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि विद्यालय के अधिकतर बच्चे जब मध्याह्न भोजन खा चुके थे तो फिर मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने के बाद बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। जब विद्यालय के सभी बच्चों को वाहनों और एम्बुलेंसों से उनके अभिभावक, स्थानीय समाज सेवी और विद्यालय के शिक्षकों ने अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। दोस्तों न्यूज के बीच में आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आप सब लोग, बहुत से लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से हैं, पहले क्या करते थे, आपकी कमाई कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने बारे में बताइए, आप अपने जीवनी के बारे में हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगा वीडियो का, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख करके मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मेरे बारे में पूरी A to Z डिटेल्स के साथ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जीवन की शुरुआत से लेकर के अब तक की मेरी पूरी कहानी उसमें आपको जानने को मिलेगी, जो हम बयां की हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मेरी कहानी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सबसे ऊपर वाला लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर डेली न्यूज़ की ओर। तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जाना है, जहां उनको पासपोर्ट रिलीज के लिए CBI की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी, जो अब उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जाने के लिए इजाज़त दे दी गई है। जहाँ सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रहती है, लालू उनके पास रह करके इलाज कराएंगे। लालू प्रसाद यादव किडनी की समस्या से ग्रसित हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि वे किडनी ट्रांसप्लांट कराने विदेश जा सकते हैं। लालू को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर जाना है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता है, अभी फिलहाल बेल पर है। ऐसे में लालू का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब उसको रिलीज कर दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए उन्हें सिंगापुर जाने को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये तभी संभव होता जब उनका पासपोर्ट वापस मिलता। लेकिन अब राहत की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को पासपोर्ट मिल गया है और वह अब सिंगापुर जा सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद मरीजों को और बेहतर इलाज के लिए सभी जिला अस्पतालों को 7 दिनों का टास्क सौंपा गया है। जिला अस्पतालों के अधीक्षक उपाध्यक्ष और अस्पताल प्रबंधकों को 7 दिनों के अंदर जैविक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में जितने भी शौचालय हैं उनकी रिपेयरिंग करानी है। अस्पतालों के वार्ड, ओपीडी और शौचालय में सफाई रखने का टास्क सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सभी जिला अस्पतालों का गैस असेसमेंट कराया गया है। जब मंत्री के निर्देश के बाद जिला अस्पतालों को कहा गया है कि 7 दिनों में जितने भी उपकरण खराब या फिर बेकार पड़े हैं उन्हें चिन्हित करते हुए अलग कर लिया जाए, आवश्यक उपकरण की सूची तैयार करके उसकी खरीद की दिशा में कार्रवाई की जाए। जिला अस्पतालों को निबंधन काउंटर की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे मरीजों को लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़े। इसके अलावा अस्पतालों को दवा काउंटर की संख्या भी 1 से अधिक करने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टरों की रोस्टर ड्यूटी का चार्ट भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली, दशहरा और छठ पर्व पर घर आने की सोच रहे हैं तो फिर पूर्वांचल बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से अमृतसर यानी कि पंजाब, मुंबई और एर्नाकुलम केरल के बीच 3 त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी गई है। रास्ते में पड़ने वाले दूसरे जोन की अनुमति मिलते ही रेलवे प्रशासन ट्रेनों के संचालन की तिथि, मार्ग, ठहराव और समय सारणी की घोषणा कर देगा। ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय से भेजा गया था। रेलवे प्रशासन 24 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र से ही स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अतिरिक्त कोच और रैक की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में बाढ़ ने कहर मचाया है। बिहार में 1 सप्ताह से हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान है। जहां बुधवार की देर रात से लगातार हो रही बारिश के बाद क्षेत्र की नदियों में बाढ़ आ गई है। पहाड़ी नदियों का पानी वीटीआर के जंगलों में बह रहा है। जब पहाड़ी नदियों में के उफान पर होने के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले में एसपी द्वारा पुलिसकर्मियों को लॉकअप में रखने का मामला सामने आया था। इस मामले में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मगध रेंज के पुलिस महानिदेशक यानी कि आईजी को नवादा जिले के एसपी के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की सत्यता की जांच कराने और फिर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला पर 5 पुलिसकर्मियों को 2 घंटे तक लॉकअप में रखने के आरोप हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में चर्चित गोलीकांड में अपराधियों के हमले में एक युवक की जान चली गई थी। जब मामले में जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मृतक चंदन के घर हाजीपुर में स्थित बरौनी गांव पहुंच करके मृतक की पत्नी से मिलकर के न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान पप्पू यादव ने मदद के रूप में तत्काल 25,000 नकद और छोटी बेटी के नाम पर 1 लाख फिक्स करने का आश्वासन दिया है। पप्पू यादव इस दौरान सीएम नीतीश कुमार से अपील भी की है कि यदि बिहार को अपराध और अपराधी से मुक्त चाहते हैं तो फिर भट्टी को डीजीपी बनाएं। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव ने कहा है कि नेताओं के खिलाफ जंग होना जरूरी है। अपराधी से पहले नेताओं के खिलाफ भारत और बिहार में जंग जरूर होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार से अपील की है कि यदि बिहार को अपराध और अपराधी से मुक्त कराना चाहते हैं तो फिर भट्टी को डीजीपी बनाएं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि 3 साल से पुराने जितने भी थानेदार और डीएम है उन सभी को वहां से ट्रांसफर कीजिए। यहां सब पदाधिकारी गरीब विरोधी हैं और किसी भी गरीब को न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रहे सहमत के खेल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने चुटकी ली है और कहा है कि चोरों के सरदार शेरों मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक में चुनौती दे रहे हैं। लोकतांत्रिक जीवन में ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। जो मुख्यमंत्री को ही कह दे कि हमारा नेता आप नहीं हो, हम लालू जी की कृपा के मात्र हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रहे खींचतान ने महागठबंधन के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। जदयू के नेता इस पर चुप्पी साध करके आरजेडी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वही आरजेडी के नेता अपने सिपाही को किसी भी हाल में शहीद नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की पूरी जनता जानती है कि कृषि मंत्री ने जो कैमूर में बयान दिया है वह 100% सही है। सरकार की कोई भी योजना जरूरतमंद किसानों के खातों तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में महागठबंधन दलों के बीच चल रहे खींचतान पर अब विपक्ष ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि जिन दोषियों ने उम्र कैद की सजा के 10 साल पूरे कर लिए हैं और जिनकी अपील पर निकटतम भविष्य में हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, बशर्ते राहत से इनकार का कोई भी ठोस कारण मौजूद ना हो। कोर्ट ने कहा है कि जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के मकसद को पूरा करने के लिए उन दोषियों के लिए ऐसा करना चाहिए जिनकी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील वर्षों से लंबित है और निकट भविष्य में हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए कोई भी संभावना नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच आजीवन कारावास की सजा पाने पा चुके दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर जमानत की मांग की है कि उनकी अपील अलग अलग हाई कोर्ट में सालों से पेंडिंग है और निकट भविष्य में इनकी सुनवाई की संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लंबित मामले जुडिशियल प्रोसेस में रुकावट डाल रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हमारा विचार है कि अपनी सजा के 10 साल पूरे कर चुके उन दोषियों को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनकी अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई के आसार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कार्ड और सूचीकरण कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। स्टूडेंट 25 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी स्टूडेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित विवरणी के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरकर के दो प्रतियों में अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास जमा किया जाएगा। इनमें एक प्रति पर प्रधान अध्यापक अपना हस्ताक्षर मोहर और तिथि अंकित करते हुए स्टूडेंट को वापस कर देंगे ताकि स्टूडेंट के पास साक्ष्य के रूप में संरक्षित रहे। बोर्ड ने कहा है कि इस साल से 13 अंकों का BSEB यूनिक आईडी का प्रावधान किया गया है जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए 9 पंजीकृत परीक्षार्थियों के मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित है, जिसे परीक्षा आवेदन फॉर्म में उनके द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। साथ ही इस फॉर्म के कॉलम बारे में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का आधार नंबर नहीं है तो फिर इसकी घोषणा कॉलम 13 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री और राजद नेता रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जब मोदी ने यानी कि सुशील मोदी ने रामानंद यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया है और कोर्ट से आग्रह किया है कि रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करके उन्हें न्यायालय में उपस्थित करा करके ट्रायल प्रारंभ किया जाए और उसके बाद सजा दी जाए। यह भाजपा सांसद ने अपनी शिकायत में कहा है कि यादव ने मंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मोदी ने पटना के लोधीपुर में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मॉल का निर्माण कराया है। रामानंद यादव ने सब्जी बाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा करके खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ताज़ा मामला बिहार के सारण का है जहां ज्वेलरी दुकान से चोरों ने लाखों की चोरी की है। वारदात मरोना बाजार सोनारपट्टी में स्थित बद्रीनाथ प्रसाद के ज्वेलरी शॉप का है। चोरों ने दुकान की शटर तोड़ दी और अंदर घुस गए। उन्होंने दुकान में रखे लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। सारण के मरोना बाजार सोनारपट्टी में स्थित बद्रीनाथ प्रसाद के ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी कर ली गई है। शटर तोड़ करके चोर अंदर घुसे और दुकान से 15 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने लेकर के भाग गए। यह घटना के बाद इलाके में हरकत मच गया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले ही जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर के जदयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। जहां अमित शाह सीमांचल का दौरा करेंगे जहां अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है यानी कि मुसलमानों की आबादी अधिक है। जहां उनके आने से पहले भाजपा इस तरह के मुद्दे को के साथ क्षेत्र का ध्रुवीकरण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। हर दिन भाजपा नेता इस मुद्दे पर बयान जारी कर रहे हैं जबकि जदयू इस मांग को तथ्यों और फिर आंकड़ों के साथ खारिज कर रही है। सीमांचल में 23 सितंबर और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और इससे पहले बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिहार के लिए जरूरी बता रहे हैं। सीमांचल में जिस प्रकार जनसंख्या का ग्रोथ है उसको लेकर के नीतीश सरकार पर बीजेपी निशाना साध रही है। दोस्तों बात करते हैं कि यूरिया किल्लत से जूझते बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मांग के अनुरूप ही सभी प्रकार के रसायन और उर्वरक की आपूर्ति हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री दलाल
बिहार सरकार के मंत्री दलालों से मिलकर के जमाखोरी करवाते हैं, जिस वजह से बिहार में यूरिया किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। जब बिहार सरकार पर यह गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने लगाया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक एवं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने शुक्रवार को पटना में आंकड़े के साथ नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मंत्री झूठे आंकड़े बनाकर के स्टॉक की कमी का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ताहीन लोग कालाबाजारियों के साथ हाथ मिलाकर के यूरिया की किल्लत जानबूझकर के कराए हैं। यह भारत सरकार सिर्फ 262 रुपए में यूरिया देती है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा कालाबाजारियों पर नकेल नहीं कसने के कारण किल्लत हुई है। मजबूरी में किसानों को कहीं अधिक पैसे देकर के यूरिया खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। इसी तरीके से मोदी सरकार 1350 रुपए में DAP की आपूर्ति करती है, लेकिन कालाबाजारी के कारण किसानों को कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है। हालांकि ट्वीट को उन्होंने पल भर में हटा भी दिया। दरअसल गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि BJP के सभी नेता बेगूसराय में हुई घटना को लेकर के बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जब बिहार में जंगल राज की बात कह रहे हैं, इसी को लेकर के गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की फिल्म कांटे का एक सीन शेयर किया। इस सीन के जरिए उन्होंने बीते मंगलवार को बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। जब वीडियो को ट्वीट करते हुए BJP नेता गिरिराज सिंह ने एक लाइन लिखी और लिखा है कि जंगल राज की गोली जाती देख करके अपना निशाना खुद ढूंढ लेती है। इस ट्वीट को ज़्यादा लोग अभी देख पाते कि उन्होंने भी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, हालांकि इसके पहले कई लोग इसको देख चुके थे। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में हुई घटना को लेकर के लगातार BJP हमलावर हैं। जब घटना के बाद BJP के कई बड़े नेता बेगूसराय पहुंच गए। शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमला बोला था। जब घटना को लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा था। आपको बता दें कि बेगूसराय मामले में गोलीबारी करने वाले चारों संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागौर जिले के नाडलू कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। नाडलू में ओवैसी ने PM मोदी पर जमकर के निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या कर लोगे, गोली मारोगे क्या, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जेल में डालोगे, डाल दो, मैं कुरान को सुन्नत को मानने वाला हूँ, मैं कैसे किसी धर्म के खिलाफ बोल सकता हूँ, मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, बराबर की लड़ाई है। इसी पर लोग उंगली उठाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। ओवैसी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा सच्चाई को बयां करता रहूँगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी से लोग महंगाई के बारे में पूछते हैं तो फिर जवाब मिलता है कि हमने राम मंदिर नहीं बनाया क्या। जब धान के भाव नहीं मिलता और किसान पूछते हैं तो क्या कहा जाता है कि अब हम ज्ञान वापी के पीछे पर गए हैं, हर मुद्दे को घुमा फिरा करके हम पर डाल दिया जाता है। ये कहना है ओवैसी का। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान और राजस्थान के युवाओं को सोचने की जरूरत है कि BJP ने हमें क्या दिया है और क्या छीना है। GST पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि पैकिंग दाल पर GST लग गई है, पैकिंग चावल पर GST लग गई है, अब तो केवल सांसों पर GST लगाना बाकी है। मोदी सरकार ने हर चीज पर GST लगा दिया है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन मोदी सरकार को देशवासियों की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ओवैसी ने राजस्थान के जयपुर के हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया था। इस दौरान ओवैसी ने CM अशोक गहलोत पर जमकर के निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान में मुस्लिमों की विधानसभा में बहुत कम भागीदारी है। आपको बता दूं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ओवैसी का फोकस राजस्थान पर है। ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, सीटों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। जहां और प्रदेश में अब लगातार बड़े नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, नए राजनीतिक दल भी अब अपने पैर राजस्थान में पसारने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो फिर वहीं अब AIMIM भी राजस्थान में अपना भविष्य टटोल रही है। ओवैसी का नज़र मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी के प्रवक्ता पहले ही राजस्थान की 60 से ज़्यादा सीटों पर और नागौर जिले की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसी के चलते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नागौर जिले के लाडनू दौरे पर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला किया है। इस मौके पर अन्य योजनाओं में 720 किलोग्राम मछली बांटना भी शामिल है। मत्स्य पालन और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि हमने चेन्नई में स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है, जहाँ PM के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। अंगूठी बांटने के कार्यक्रम में आने वाले खर्च को लेकर के मुरुगन से सवाल किया गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम सोने की होगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपये के आसपास हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ये मुफ्त में दी जाने वाली रेवड़ी नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों का स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी की लोकल यूनिट का अनुमान है कि इस अस्पताल में 17 सितंबर को 10 से 15 बच्चों का जन्म हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में हुई कांड मामले में गिरफ्तार केशव कुमार उर्फ नागा के परिवार वाले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के पास पहुंचे और अपने बेटे को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा है कि पुलिस जानबूझ करके उनके बेटे को फंसाने का काम कर रही है। दरअसल राकेश सिन्हा सहित कई नेता बेगूसराय में धरना पर बैठे हैं, जहाँ उनसे मिलकर के आरोपी के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों क्या बिहार के CM नीतीश कुमार ने PM पद के लिए अपने नाम की दावेदारी कर दी है? ये सवाल है। जब नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर के तो पहले ही अटकलें लगाई जा रही है, जब वहीं उनके ताज़ा बयान के बाद इस बात को और ज़्यादा हवा मिल गई। जब नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र में गैर BJP गठबंधन आता है तो फिर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विपक्ष अगली बार केंद्र में सरकार बनाता है तो फिर हम पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देंगे। हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ अन्य राज्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं जिन्हें विशेष राज्य मिलना चाहिए। इससे पहले नीतीश कुमार ने आम चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए हाल ही में दिल्ली का दौरा भी किया था, जहाँ इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आप संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, NCP प्रमुख शरद पवार, इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए सहयोगियों की तलाश है। उसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 7 दलों से मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी है। या इसी कड़ी में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे पुरानी सहयोगी चिराग पासवान की अलावा कुछ अन्य दलों और जातीय छत्रपों पर भी BJP की नज़र है। ये ऐसे छत्रप है जो महागठबंधन में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यह अंदर खाने में मुकेश सहनी को भी साधने की चर्चा है। BJP विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने BJP के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए उन जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि ENDA में LJP और BJP के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मैदान में थे, जहाँ इससे JDU को सीटों का घाटा हुआ। माना गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद को कम करने के लिए इसमें चिराग पासवान को BJP का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया तथा उनसे निकटता जताने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। दोस्तों पहले तो रसोई गैस महंगा हो गया और अब किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति में यदि आपका रसोई गैस खत्म है तो फिर किसी छुट्टी के दिन या फिर आज नहीं कल वाली चीज़ों को छोड़ करके उसे पहले भरवा लें, रिफिल करवा लें। अच्छा यदि अभी चुक गए तो फिर हो सकता है कि बाद के दिनों में बाहर खाना पड़ जाएगा या घर से चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की बॉटलिंग प्लांट में घरेलू गैस सिलेंडर की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों ने शुक्रवार से हड़ताल की घोषणा की है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सोनपुर, चंपारण, मधुबनी, वैशाली, गोपालगंज और उनसे सटे UP के इलाके में रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। किराए में बढ़ोतरी को लेकर के ट्रांसपोर्टर 20 दिनों तक अधिकारियों का इंतजार करते रहे हैं। या कोई आदेश नहीं आने पर LGP बॉटलिंग प्लांट शेरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को बदल करके सीमाओं को बढ़ा दिया है। इससे अब कई और कंपनियां भी छोटी कंपनियों की सीमा में आ सकेंगी। इससे उन्हें कई तरह के नियमों में राहत मिलेगी और काम करने में आसानी होगी। सरकार ने आज छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल और कारोबार सीमा में संशोधन किया है
और सीमाएं बढ़ा दी है, जिससे अब और कंपनियां इसके दायरे में आ सकेंगी और उनका अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। छोटी कंपनियों को कई नियमों में छूट मिलती है। नई सीमा के बाद कई और कंपनियों को इस छूट का लाभ मिलेगा। जब सरकार काफ़ी समय से कारोबारी सुगमता पर जोर दे रही है, परिभाषा में बदलाव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को स्मार्टफोन की इतनी लत लग गई है कि उनका एक पल के लिए भी स्मार्टफोन से दूर रहना मुश्किल हो गया है। या आपने नोटिस किया होगा कि युवा और टीनएजर्स कई लोगों के बीच बैठे होने के बावजूद भी अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। जब मोबाइल या फिर स्मार्टफोन युवाओं और टीनएजर्स की सेहत पर तरह तरह के से प्रभाव डाल रहे हैं। एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से किशोर स्कूल में 20 साल पहले की तुलना में खुद को अकेला महसूस करते हैं। स्मार्टफोन की वजह से हुए अपने दोस्तों से भी बात करना बंद कर देते हैं। रिसर्चकर्ताओं ने पाया है कि इंग्लैंड में 15 से 16 साल के बच्चों का अनुपात अपने साथियों के बीच अलग थलग महसूस कर रहा है, जो 2000 से अब तक 3 गुना बढ़कर के 33% पहुँच गया है। यानी कि हर 3 में से एक बच्चा स्कूल में अकेलेपन का शिकार है। रिसर्च में बताया गया है कि ये वृद्धि इस आयु वर्ग द्वारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से ही हो रही है। स्मार्टफोन के ज़्यादा प्रयोग से छात्र बातचीत कम कर रहे हैं और वे अपने साथियों के बिना मस्ती करते हुए ऑनलाइन तस्वीरें देखते हैं, तो वे खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि साल 2000 में इंग्लैंड में 15 से 16 साल के 10% बच्चों में स्कूल में उच्च स्तर का अकेलेपन था। साल 2003 में ये करीब 9% हो गया। जी हाँ, रिसर्चकर्ताओं के अनुसार साल 2012 तक ये आंकड़ा बढ़कर के 15% हो गया, 2015 में बढ़कर के 25% और 2018 में 33% पहुँच गया है। इस रिसर्च में करीब इंग्लैंड के 60,000 किशोरों को शामिल किया गया था, जहाँ उन्हें ये मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था कि क्या वे स्कूल में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं या फिर स्कूल में चीज़ों से बचे हुए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।